तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सिलाई मशीन है, ये उपल नाम करके है। और इस मशीन में जो प्रॉब्लम है वो भी आपको मैं बता दे रहा हूँ। जब सिंगल मोड़ में अगर सीते हैं कपड़ा तो धागा नहीं कटता है। जैसे अभी ये है, ये लगा हुआ है, इसमें कटता नहीं है। अगर मोटा करते हैं, तीन चार बार अगर इसे करते हैं तो ये धागा काटने लगता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, तो आप अंदर के जो सैडल होते हैं आप उसे चेक करें कि वो ज़्यादा हज तो नहीं हो गया है। अगर ज़्यादा हज होता है तो आपको सैडल चेंज करना होता है, और कम अगर हज है तो सैडल को आप खोल के रिपेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ से धागा इसका लूज आता है, ये जो कैश बैबिन है यहाँ से धागा लूज आता है। और इसके नीचे मैं देख पा रहा हूँ कि धागा वगैरह अटका हुआ है, तो इसे खोल के हम पहले इसे साफ़ करेंगे। मशीन के बारे में भी मुझे बहुत जानकारी है, हालांकि इसके बारे में वीडियो हम नहीं डालते, लेकिन मैं जो इसके बारे में बताने जा रहा हूँ, पहले हम इसे करके हम देखेंगे, उसके बाद हम सैडल चेक करेंगे कि सैडल हमें चेंज करना है या नहीं करना है। तो हम इसे खोल के इसे पहले हम साफ़ करते हैं। तो इस तरह का आपको पिन पेचकस की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे पेचकस से आप खोल सकते हैं। वैसे सिलाई मशीन के साथ दो पेचकस आता है, एक बड़ा एक छोटा आता है, और छोटे वाले से आप इसे खोल सकते हैं। अब देखिए मैंने जो इसे खोला, इस पत्ती को, यहाँ पे देखिए धागा कितना फंसा हुआ है, ये कचरा है, और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि धागा लूज आता है, ये तो हो गया। लूज आने पे क्या होता है, इसका सिलाई ठीक से आता नहीं है, और इससे भी कट सकता है, ऐसा कोई बात नहीं कि इससे धागा नहीं कटता है। तो इसे साफ करके हम लगाते हैं, फिर आपको सैडल दिखाते हैं। ये धागा पहले बहुत लूज था, अब टाइट हो गया है, अब ये अब सिलाई अच्छा देगा। मैं इसे चेक करके आपको दिखाता हूँ पहले। साधारण ऐसे अगर कपड़ा सीते हैं तो इसमें धागा नहीं कटता है, लेकिन मोटा कपड़ा जब सिलाई करते हैं तभी इसका धागा कटता है। तो इसके लिए हम सैडल चेंज करेंगे, और सैडल चेंज करने के लिए आपको बताएंगे इसका टाइमिंग कैसे मिलाना होता है। बिल्कुल आसान तरीका है टाइमिंग मिलाना। तो दोनों प्लेट खोल लेना है ऊपर से, उसके बाद नीचे एक टेंशनर होता है, स्टॉपर होता है जो सैडल को रोकता है यहाँ से। तो अंदर से हमें वो नट खोलना होता है, उसके बाद हम सैडल को बाहर निकालते हैं। सैडल में तीन पेच होता है। देखिए पहले हमें इस स्टॉपर को खोलना होता है, ये जो पत्ती लगा हुआ है, तो इसे खोलना होगा, उसके बाद हम इस सैडल को खोलेंगे और आपको बताएंगे फिर हमें टाइमिंग किस तरीके से मिलाना है। और आप चाहे तो पहले ही देख सकते हैं इसका जो कहाँ से टाइमिंग मिला हुआ है, और हमने तो पहले चेंज किया है। आपको डायरेक्ट खोल के आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसका टाइमिंग मिलाना होता है, जो हमारा धागा ठीक से उठाने लगे। तो मैं सैडल के इस तीनों नट को हमें खोल लें, लूज कर लेना है, और इसे हमें बाहर निकाल लेना होता है। इसका आप कैश खोल लेंगे हम। दोस्तों इतना तो बहुत लोग जानते हैं कि धागा टूटने की वजह होती है सैडल की, और हम चाहे तो इसे रिपेयर भी कर सकते हैं। इस तीन नट को खोल के, यहाँ पे ये तीन नट होते हैं, इसे खोल के हम इसे साफ़ करें अच्छे से, तो ये फिर काम कर जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा जो करना चाहिए। प्रॉपर काम करने के लिए हमें सैडल को चेंज करना होता है। और ये देखिए, ये चीज़ें हज हो चुका है, ये हज हो गया है, और हमने अभी ये नया सैडल लिया है हाथ में। ये आरके का सैडल है, ज़्यादातर आरके का ही यूज़ करते हैं। ये आरके का ओरिजिनल सैडल है, 270 लमसम में ये आ जाएगा। कोई कोई भाई 300 भी ले सकते हैं या 250 भी ले सकते हैं इसके। अब आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसके जो टाइमिंग होती है सैडल की और इसके सुई की, वो किस तरीके से मिलाना है। तो जैसे मैंने खोला था इसको वैसे ही लगा देंगे, पहले हमें इस नट को लूज करना होता है। अब इसे मैंने लगा दिया, उसके बाद हम इस स्टॉपर को लगाएंगे। इसको इस तरीके से हमें लगाना है यहाँ पे।
देखिए इसका जो लॉक होता है यहाँ पे आके अटकता है इसका, ये फिर आगे पीछे नहीं होता है, इसको पकड़ के रखता है सैडल को। और ये जो हम लगाएंगे हमें एडजस्ट करना होता है, ये जो इसके लेवल पे होना चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है ये इसका जो दतिया है, दांत है, इसके लेवल पे ये रहना चाहिए। आगे पीछे अगर ज़्यादा होता है तो ये फिर सैडल टाइट लगने लगता है। अब इसको हम ऊपर लेते हैं, हमें सैडल को मिलाना है, ऊपर सुई की तरफ लाते हैं सैडल। अगर ऊपर से मिलाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, यहाँ से ज़्यादा टाइमिंग अच्छा मिलता है। अब सैडल को किस तरीके से मिलाना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हमें सुई नीचे ले आना है और जहाँ से ये सुई ऊपर खींचने लगे तो उसी जगह हमें सैडल मिलाना होता है, हमें यहाँ पे सुई को रखना है और सैडल को हम आगे करेंगे। थोड़ा और ऊपर कर लेंगे सुई को। देखिए हमें यहाँ पे रखना होता है, वैसे मैं बाहर से आपको दिखा दूँगा कि सैडल को सुई के नोक को हमें कहाँ तक रखना है, बाहर से मैं एग्जांपल में आपको बता दूँगा। और पहले हम इसे टाइट कर लेते हैं। तो आपको अब बताने जा रहे हैं कि हमें सैडल का जो टाइमिंग होता है वो हमें कैसे मिलाना है। हम वहाँ से नहीं दिखा पाए आपको सभी अच्छे से, क्योंकि कैमरा से चमक आ रहा है, जो स्टील है ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम बाहर से आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले आपको जो सुई जैसे लगाना होता है, हमें सुई लगाना है अच्छे से। इसके जो कट वाला ही निशान होता है वो हमारा लेफ्ट साइड होता है, और जो प्लेन होता है वो हमारा राइट साइड होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर प्लेन है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सुई को उल्टा लगा देते हैं, प्लेन वाले को उधर कर देते हैं और नोक वाले को इधर कर देते हैं, कट वाले हिस्से को। तो मैं आपको बता देना जा रहा हूँ कि ये जो सुई आप देख पा रहे हैं, सुई में जो सुराख होता है और ऊपर जो चिपटा, जहाँ तक चिपटा होता है सुई, उससे हमें आधे हिस्से में रखना है। सुराख और चिपटा जहाँ तक हो लास्ट में, वहाँ से हमें आधे हिस्से में रखना होता है। अगर यहाँ पे आधे हिस्से में अगर रखते हैं तो बिल्कुल एकदम आराम से सुई धागा उठा लेता है, और ना तो इसमें कटने का समस्या होती है और ना धागा छोड़ने का। तो यहाँ से आप बिल्कुल अच्छे से टाइमिंग मिला सकते हैं। गाइस ऐसा भी नहीं कि हम ये इसके बारे में काम सीखे हुए हैं, हमें खुद ही मालूम है, हर एक पार्ट्स की बता देंगे हम। कोई भी अगर जानकारी हासिल करना हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिलाई टेलर वाले से ही हमें जानकारी लेना है, हम एक मैकेनिकल है, हमारे पास इतनी जानकारी है कि हम इसे भी सही कर सकते हैं। सिलाई मशीन तो हर भाई के घर में ज़्यादातर पाए जाते हैं, तो मुझे लगा कि ऐसी जानकारी हमें देना चाहिए। हम उल्टे तरफ को दिखा रहे हैं, ये पहले वाला है, ये पहले इस तरीके से सिलाई होता था, और अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर सिलाई हो रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।